नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। सभी जिलों ने कार्यों का दिया अपना अपना प्रेजेंटेशन, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा को देखते हुए जनपद पुलिस द्वारा बाइक रैली और ड्रोन के माध्यम से शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लगातार की जा रही है निगरानी। अब तक राजघाट, कोतवाली और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में 54 लोगों को दिया गया है नोटिस। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। गोरखपुर में योग अमृत सप्ताह का हुआ शुभारंभ। सीडीओ ने कहा जिले के सभी नागरिक आयुष कवच ऐप डाउनलोड करके रोज करें फोटो अपलोड। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने इनोवेशन पोर्टल किया लॉन्च। देश के प्रतिभाशाली युवा नई तकनीक के माध्यम से रेलवे के बड़े विकास में दे सकेंगे योगदान। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट आदित्य यादव के जीवन गाथा पर है सटीक। गोल्डन गर्ल आदित्य यादव के घर तक जीडीए बनवाएगा सड़क। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा सड़क बनाने के लिए 50 लाख का बजट किया गया है पास, एक महीने के अंदर काम होगा शुरू। जून को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर CDO इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा सामूहिक विवाह में 250 जोड़े होंगे शामिल। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में 102 और 108 एम्बुलेंस के ड्राइवरों की बैठक हुई सम्पन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ताल क्षेत्र में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए ZDA के द्वारा बनाया जा रहा वर्क। मुख्यमंत्री को संस्तुति के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव, ZDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। चौबीस जून को मंडल स्तरीय रोजगार मेले में किया गया है आयोजन। 5 बच्चों को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य, CDO इंद्रजीत सिंह ने दी जानकारी। रामगढ़ताल झील के किनारे लगे रेलिंग को ZDA के द्वारा सुंदर रेलिंग के रूप में जा रहा है बदला, कार्य है जारी। ZDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा रेलिंग में लाइट व बैठने की जा रही है व्यवस्था। गोरखपुर के 5 विद्यालयों में लगाया जाएगा इंडक्शन कुकर। 4 परफॉर्मेंस ग्रांट व 1 भिलोरा गाँव के विद्यालय को किया गया है चयनित। दो महीनों में रामगढ़ताल झील में उतारा जाएगा क्रूज, ZDA उपाध्यक्ष ने कहा 3 महीनों में क्रूज को रामगढ़ताल झील में उतारा जाएगा। टेंडर किया गया है जारी, 4 लोगों ने जताई है सहमति, बातचीत है जारी। घुड़सवार पुलिस ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके नागरिकों में सुरक्षा का दिलाया एहसास। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा शहर में पेट्रोलिंग शांति व्यवस्था में मददगार होती है घुड़सवार पुलिस। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। ब्लड डोनेशन करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों में होने वाले कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी ली। वहीं जनपद बदायूं में समूह के महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से एक पेंट बनाया गया, जिसका प्रेजेंटेशन मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर मुख्य सचिव ने कहा इस तरह का कार्य सभी जनपदों को करना चाहिए क्योंकि यह पेंट बहुत सस्ता है और अच्छी क्वालिटी का भी है, जिसको
प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया है। उन्होंने पेंट का नाम रखने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों से सुझाव मांगा। इस अवसर पर मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर बदायूं में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं द्वारा रफियाबाद गौशाला की गायों के गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण कराया जा रहा है सर, जिसके मात्र 2 महीने के संचालन में हमें 74 लाख रुपए का सेल प्राप्त हुआ है सर। टेक्नोलॉजी खादी इंडिया से प्राप्त हुई है सर। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 25,75,000 रुपए है सर, जिसमें PMEGP, NRLM, मनरेगा को कन्वर्ट किया गया है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर इस पेंट के 8 लाभ हैं जो बाकी पेंट में नहीं है। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, इको फ्रेंडली, नेचुरल थर्मल इंसुलेटर, कॉस्ट इफेक्टिव, फ्री फ्रॉम हैवी मेटल, नॉन टॉक्सिक और ऑडरलेस है सर। 8 लाख को ISI और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी न्यू दिल्ली, मुंबई और गाजियाबाद ने प्रमाणित किया है सर। सर ये कुछ 4 नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज है जिसने हमारी क्वालिटी को प्रमाणित किया है सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड सर। फैक्ट्री के लिए PMEGP से 19 लाख के लोन पर 6,95,000 की सब्सिडी हमें सर प्राप्त हुई है। फैक्ट्री शेड का निर्माण 6,75,000 में मनरेगा से बनाया गया सर। साथ में 350 महिला समूह से कुल 12 लाख हमने वर्किंग कैपिटल के लिए दिया था सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर ये हमारी फैक्ट्री है जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर हमने खादी इंडिया के ब्रांड नेम और गाय के गोबर के कल्चरल वैल्यू को कैप्चर कर मार्केट के डिमांड के अनुसार अपने प्रोडक्ट को प्लेस सबको जानकारी दीजिए, जिससे कि बाकी दिनों में भी इस प्रकार के इनिशिएटिव लिए जाए कि गोवंश की इतनी बड़ी समस्या, तो गोवंश के ऊपर आपने इनकम भी किया, रोजगार भी सृजित किया और एक अच्छा कंपटीशन मार्केट में आया। मेरी इसकी ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा इसका नॉलेज है, क्योंकि गाय से हम लोग का सब बहुत ऐसा संबंध है कि गो के जो आप प्राकृतिक पेंट की जगह कुछ नाम सोचिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा नाम सोचिए कोई अच्छा नाम जो गो को लेते हुए अगर आप बढ़िया नाम ले सकते हैं तो उससे जो है मे बी इससे और इसका प्रचार हो। बट बहुत बढ़िया एक्सेलेंट बात, वेरी ग्रेट। बहुत ही सर लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली तो है ही, और सर जो हमारी
जो हमारा सिक्स मंथ का है वो सर हम उससे सर थोड़ा सर है, जितने हमारे स्कूल्स वगैरह है, जितने हमारे पंचायत भवन है और जो भी हमारे गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, और जो सर नेक्स्ट जो हमारी मार्केट है उसके लिए भी सर हम प्रदेश में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा को देखते हुए जनपद पुलिस द्वारा बाइक रैली और ड्रोन के माध्यम से जिले के घरों की निगरानी की गई, जिसमें 54 घरों पर पत्थर पाए गए, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रदेश भर में पिछले शुक्रवार को हुए दंगे को देखते हुए ड्रोन द्वारा हर एक मोहल्ले की छत और सड़क पर किसी भी तरह के ईंटा पत्थर या कंकड़ इकट्ठा की गई है। ऐसे 54 स्थान चिन्हित किए गए हैं और 54 लोगों को नोटिस भी दिया गया है। ईटा पत्थर अगर किसी भवन निर्माण में लिया गया है तो उसे जल्द हटाया जाए। उन्होंने कहा कि राजघाट, कोतवाली और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में इन 54 लोगों को नोटिस दिया गया है। कोतवाली पुलिस कोतवाली थाने से रेती रोड होते हुए घंटाघर, पांडेहाता, नॉर्मल होते हुए बाइक रैली निकाली तथा रोड पर पड़े पत्थर को हटवाया और लोगों से अपील किया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के सामने ईंट पत्थर नहीं रखेगा। अगर कोई दुकान के सामने या छत पर पत्थर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी प्रकार के ईंट पत्थर हैं तो उसे हटा दिया जाए ताकि किसी व्यक्ति द्वारा इसका दुरुपयोग ना होने पाए एवं शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस अवसर पर कोतवाली सीओ विमल कुमार सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, राजघाट थाना प्रभारी एसके मिश्रा, भगवत चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, कब हटाएगा, कब हटाएगा ये? नहीं, आज शाम तक बढ़ा दीजिए इसको। सुनी मैंने इसको कबाड़ फटाया, ये बता दे रहा हूँ, मिल गया तो दिक्कत होगी। मोबाइल नंबर इसने भी बोरी भी बड़ा भरा है। जनपद गोरखपुर में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए एवं प्रदेश भर में पिछले शुक्रवार को हुई घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए जनपद गोरखपुर में ड्रोन द्वारा हर एक छत एवं हर एक सड़क पे किसी भी प्रकार की ईंटा पत्थर या कंकर या इसी तरह की कोई ऐसी चीज़ इकट्ठी की गई है, उनको चिन्हित कर ऐसे 54 स्थान चिन्हित किए गए हैं एवं 54 लोगों को नोटिस दे के ईंटा पत्थर अगर किसी भवन निर्माण में लिया जा रहा है तो उसका निर्माण में तुरंत लेके उसका निस्तारण करें, अन्यथा उसको हटवाया जा रहा है। सर, किन किन थाना क्षेत्र में चिन्हित किया गया? थाना कोतवाली, राजघाट एवं गोरखनाथ थाना क्षेत्र में इन 54 घरों को आइडेंटिफाई किया गया। सस्पेक्टेड ऐसे लोग कुछ नहीं है, 54 घरों को जिनको आइडेंटिफाई किया गया उनको नोटिस दिया गया है, उनको बताया गया कि ईंट पत्थर वगैरह जो ये घर के ऊपर या सामने रखे गए हैं इनको हटवाया जाए ताकि ये किसी भी व्यक्ति द्वारा इनका दुरुपयोग ना किया जाए एवं शांति व्यवस्था को मेंटेन रखने में सहयोग हो इसका। क्या सर लगता है कि प्रयागराज जैसे गोरखपुर में ऐसी व्यवस्थाएं क्या? मैं उम्मीद करता हूँ गोरखपुर की आवाम से, गोरखपुर की जनता से कि इस तरह की किसी भी घटना नहीं हो पाएगी यहाँ पे। यहाँ के लोग जागरूक हैं एवं
इस तरह की घटना का गोरखपुर से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। जो बयान दिया गया है वो दिल्ली में दिया गया है एवं उसकी कार्रवाई है जो दिल्ली में की जा रही है। गोरखपुर में शांति व्यवस्था बना के रखना है जनता का कर्तव्य है एवं पुलिस इंश्योर करेगी कि किसी प्रकार की इस तरह की घटनाएं ना हो। जनपद में मंगलवार से योग अमृत सप्ताह शुरू हुआ, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि योग अमृत सप्ताह का शुभारंभ हुआ है, जिसमें अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसमें सभी ब्लॉक तहसीलों शहर के सभी संस्थाओं में योग शुरू हुआ है, जिसमें सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया है। उन्होंने जनपद के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करने के बाद योग करते हुए ग्रुप का या अपना फोटो अपलोड करें, जिससे कि गोरखपुर के निवासी लाइफ को अपना सके। आयुष कवच ऐप में इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुर्वेद के बारे में व हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, प्रारंभ हुआ है अमृत योग सप्ताह, उसमें आज अच्छा रिस्पांस हमें मिला है और उसमें सारी तहसीलों में, सारे ब्लॉक्स में, पंचायत लेवल पे भी आज योग हुआ है। शहर में भी हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने हमें अच्छा सहयोग किया है और मेरा भी सारे नागरिकों से अपील रहेगी आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करने के बाद योग करते हुए, चाहे वो ग्रुप का हो चाहे इंडिविजुअल का है, ज़रूर अपलोड करें ताकि हम लोग गोरखपुर के निवासी जो हेल्थी लाइफ को अपना सके। आयुष कवच ऐप में इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुर्वेद के बारे में, हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां दी गई है, तो मेरा अपील रहेगा आपके माध्यम से सब लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और अपना योग करते हुए उसमें फ़ोटो अपलोड करें। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के क्रम में भारतीय रेल द्वारा एक इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से भारतीय स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, एकल इनोवेटर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी इस योजना में प्रतिभाग कर सकेंगे। भारतीय रेल ने परिचालन चुनौतियों, हेडवे में सुधार, ट्रैक स्वच्छता, फ्रैक्चर रेल की पहचान आदि से निपटने के लिए स्टार्टअप एवं अन्य संस्थाओं के भागीदारी के माध्यम से नवाचार इनोवेशन नीति जारी की है। नवाचार नीति के माध्यम से देश के प्रतिभाशाली युवा नई तकनीक के माध्यम से रेलवे के बड़े विकास में योगदान दे सकेंगे। इस बारे में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में विभिन्न मंडलों एवं क्षेत्रीय रेलों में प्राप्त प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में से 11 मदों को सम्मिलित किया गया है। इन्हें नवोमेशी समाधान, इनोवेटिव सॉल्यूशन खोजने के लिए स्टार्टअप के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फील्ड यूनिटों से प्राप्त 11 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को न्यू इनोवेशन नीति के तहत चिन्हित किया गया है, जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जो निम्नवत है: ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम, रेल स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम, उपनगरीय खंडों के लिए हेडवे इम्प्रूवमेंट सिस्टम, ट्रैक निरीक्षण गतिविधियों के लिए ऑटोमेशन, भारी माल की ढुलाई हेतु वैगन के लिए सुपीरियर ईएम पैड की डिज़ाइन, थ्री फेस के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ट्रैक्शन मोटर हेतु ऑनलाइन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास, नमक जैसी सामग्री की ढुलाई के लिए हल्के वजन के वैगन, यात्री सेवाओं में सुधार के लिए डिजिटल डेटा का उपयोग, ट्रैक क्लीनिंग मशीन, पोस्ट ट्रेनिंग रिवीजन एवं सेल्फ सर्विस रिफ्रेशर कोर्स के लिए ऐप, पुल निरीक्षण के लिए रिमोट सेंसिंग, जियोमेटिक्स एवं जीआईएस का उपयोग। भारतीय रेलवे की नवाचार नीति इनोवेशन पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत हैं: इनोवेटर को ₹1.5 करोड़ तक की राशि समान साझेदारी के आधार पर अनुदान, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से विकास तक की प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित समयावधि में, रेलवे द्वारा प्रोटोटाइप ट्रायल किया जाएगा, प्रोटोटाइप के सफल प्रदर्शन पर बढ़ी हुई धनराशि प्रदान की जाएगी, इनोवेटर्स का चयन एक पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा, विकसित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR इनोवेटर्स के पास ही रहेगा, इनोवेटर को एश्योर डेवलपमेंट ऑर्डर
विलंब से बचने के लिए उत्पाद विकास प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण, भारतीय रेल स्टार्टअप के माध्यम से उन्नत तकनीक को अपनाकर गाड़ी संचालन आने वाली चुनौतियों से निपटेगी। नई तकनीक के माध्यम से 11 मदों पर इनोवेटर रेलवे के विकास में योगदान दे सकेंगे। भारतीय रेल द्वारा लॉन्च इनोवेशन पोर्टल वेबसाइट www.innovation.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें इस नीति के बारे में सूचनाएं दी गई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, कल रेलवे बोर्ड पर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ने स्टार्टअप फॉर रेलवेज करके एक इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से जो स्टार्टअप्स हैं, इंडियन स्टार्टअप्स, एमएसएमईज हैं या कोई कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल इनोवेटर है, वो रेलवे से संबंधित कोई भी आइडियाज़ को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, ऐसे आइडियाज़ जिससे रेलवे की जो संरक्षा है, जो सेफ्टी है या जो परिचालनिक सुविधा है या यात्रियों की सुविधा है वो और बेहतर हो सके, इससे संबंधित चीज़ों के लिए अगर कोई लो कॉस्ट सोल्यूशन लेकर आता है जो किफ़ायती सोल्यूशन हो तो उस पर विचार किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने जो पोर्टल लॉन्च किया है www.innovation.indianrailways.gov.in, इस पर आप जाएंगे तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट करके अपलोड किया हुआ है जिसमें 11 अलग अलग एरियाज रेलवेज ने स्पेसिफाई की हुई हैं कि इन एरियाज में अगर आपके पास कुछ नई टेक्नोलॉजी है, कोई नए आइडियाज़ हैं, नया इनोवेशन आप करना चाहते हैं तो उसको लेकर आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं शेयर करूँ तो जैसे रेल फ्रैक्चर होता है विंटर्स में, उसके लिए रेलवे पेट्रोलिंग कराती है, नाइट पेट्रोलिंग होती है विंटर्स में। अगर कोई ऐसा आइडिया या ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा सोल्यूशन लेकर हम आते हैं जिसके माध्यम से वो डिटेक्शन जो रेल फ्रैक्चर का है वो हम कहीं कंट्रोल के माध्यम से दे सकें, SMS के माध्यम से दे सकें, तो वो रेलवे के लिए बेनिफिशियल होगा। इसी प्रकार के 11 अलग अलग फील्ड रेलवे ने जो है डिसाइड किया हुआ है, जैसे जो इंस्पेक्शंस होते हैं रेलवे के उसमें ऑटोमेशन किया जा सके, या जो वैगन्स जिसमें माल की ढुलाई होती है उन वैगन्स को लाइट वेटेड बनाया जा सके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी है कमोडिटी की वो ढुलाई हो सके उसकी, इससे काफ़ी सस्ता हो सकेगा ढुलाई रेलवे में। प्लस जो ट्रैक क्लीनिंग मशीन, जैसे मान लीजिए कि अभी जो क्लीनिंग ट्रैक की होती है मैनुअल होती है, उसके लिए कोई अच्छा मशीन डेवलप कर सके। इस प्रकार से कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको रेलवे ने आइडेंटिफाई किया है और उसके लिए जो नए स्टार्टअप्स हैं, इंडियन स्टार्टअप्स या इनोवेटर्स हैं, वो इसके लिए उस पोर्टल पर जाकर 21 जून से जो अपलोड करने का है प्रपोजल वो स्टार्ट होगा, तो 21 जून से जाकर उस पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें रेलवे ने जो है जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसके साथ 50% की कॉस्ट शेयरिंग भी रहेगी रेलवे की, एंड जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल उस पर जो IPR होगा उसका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो क्रिएटर का होगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका होगा। इससे जो आत्मनिर्भर भारत का एक सपना है, जो आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ भारत अग्रसर है, उसको काफ़ी मदद मिलेगी और जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज हैं वो सामने आएंगी। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो चलते रहती है और उसको बदलने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन इस नए स्टेप से, नए कदम से एक नई उम्मीद रेलवे में बढ़ी है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है रेलवे में जहाँ पे इनोवेशन की आवश्यकता है, और लगातार जो हमारे रेलवे मैन हैं वो इनोवेशन इसमें कर रहे हैं। इन इस तरह का एक प्लेटफॉर्म जो यंग टैलेंट्स हैं उनके लिए रेलवे ने दिया है, और सभी से अनुरोध है, सभी से अपील है कि इसका लाभ उठाएँ और इस पोर्टल पर जाएँ, जो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनका अध्ययन करें और अपना प्रपोजल्स बनाएँ। इसमें फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है एंड सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है, तो मैं अपील करूँगा जो हमारे यंग टैलेंट्स हैं, युवा इंजीनियर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, कि इसमें अप्लाई करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और जो रेलवे बोर्ड में एक कमेटी है वो आपके प्रपोजल्स पे विचार करेगी, उसके बाद जिनका प्रपोजल्स
शॉर्टलिस्ट होगा, उनको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसकी पूरी डिटेल इस पूरे प्रोसेस की जो मैंने वेबसाइट शुरू में ही आपको बताई www.innovation.indianrailways.gov.in उस पर जाकर आप और डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से जैसा मैंने बताया इंडियन स्टार्टअप्स जो मीडियम सेक्टर के MSME या स्मॉल सेक्टर के माइक्रो सेक्टर के हैं, ऐसे इंटरप्राइजेज प्लस कंपनी जो हैं लिमिटेड वो भी हिस्सा ले सकती हैं, और कोई इंडिविजुअल इनोवेटर है तो वो भी इसमें हिस्सा ले सकता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, या इकबाल की लिखी शायरी ब्राज़ील के डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल की 13 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव पर सटीक बैठती है। गोल्ड मेडल पाने के बाद तो आदित्य यादव को कई जगहों पर सम्मानित किया गया जिसकी वह हकदार भी है, और इस बालिका के संघर्षों की जीवन की डगर और वह अपने घर से जिस सड़क पर चलकर अपनी जिंदगी की जद्दो जहद से जूझते हुए गोल्ड मेडलिस्ट हुई उसकी एक बानगी एक बयान गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा दिया गया है कि आदित्य यादव के घर तक का जाने वाला रोड काफी जर्जर हालत में है और उसको लगभग 50 लाख रुपए की लागत से जल्द ही दुरुस्त करवा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने भी आदित्य यादव को लेकर कई घोषणाएं की है, इसके लिए आदित्य यादव के जज्बे को सलाम है। विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को तय करके कईयों के लिए आदित्य प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी। तभी तो यह बात आदित्य पर सटीक बैठती है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ZDA के द्वारा गोल्डन गर्ल आदित्य यादव के घर तक सड़क बनाया जाएगा, जिसके संबंध में ZDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गोरखपुर शहर की बेटी ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदित्य से मिलकर बधाई दिया और निर्देश दिया था कि आदित्य के अन्य समस्याओं को देख लिया जाए, जिसको देखते हुए ZDA की टीम आदित्य यादव के घर गई थी। उनके मोहल्ले की जो सड़क है वह काफी जर्जर है, जिसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि ZDA के द्वारा आदित्य के घर तक सड़क बनाया जाएगा, जिसके लिए ZDA की टीम लग गई है और मेजरमेंट बनाने का काम कर रही है, जिसके लिए 50 लाख का बजट रखा गया है। जैसे ही मेजरमेंट के साथ DPR तैयार हो जाएगा, बैठक करके अप्रूव कराकर 1 महीने में काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए मंडलायुक्त ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ZDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे शहर की जो बेटी है आदित्य यादव, उन्होंने बैडमिंटन में पूरे विश्व में स्वर्ण पदक जीता, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सहारा भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि इनके अन्य समस्याओं को भी देख लिया जाए, तो उस संदर्भ में ZDA की टीम वहाँ पर गई थी, इनके घर के पास गई थी, तो इनके मोहल्ले की जो सड़कें थी वो काफ़ी जर्जर हालत में पाई गई थी, तो उसमें ये निर्णय हुआ था कि इसको सड़क को गोरखपुर विकास प्राधिकरण बनाएगा, तो उसी के लिए पूरी टीम हमारी वहाँ लगी है, पूरा उसका मेजरमेंट वगैरह का काम चल रहा है, इसके लिए हम लोगों ने 50 लाख का बजट भी रखा हुआ है, तो जैसे ही पूरा मेजरमेंट हो जाएगा, DPR तैयार हो जाएगा, आयुक्त महोदय ने इसको ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, तो हम लोग जल्दी से मीटिंग करा के अप्रूव करा के इसमें उम्मीद है कि 1 महीने में काम शुरू करा देंगे। CDO इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 17 जून को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 250 जोड़ों को विवाह सम्पन्न होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, जिसके लिए जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल होने के लिए पत्र भेजा जा चुका है। इसमें जनपद के 20 ब्लॉक से 250 जोड़े शामिल होंगे। इसके अलावा शासन के द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त हुआ है उसका 100% पालन करवाया जा रहा है और सभी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। इस अवसर पर DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, सप्लाई इंस्पेक्टर अरुण सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, अच्छा एक सारे धर्म के शादियों में लोग तीनों तरह के लोगों का सर, वो मौलवी और उनके कितने मौलवी कितने लोग डिहाइड्रेशन बहुत हो गया, ठीक है, तो पानी का जरूर है सफिशियंट बंदोबस्त हो,
उम्मीद करेंगे तब तक मानसून थोड़ा बहुत आ जाएगा ही ना, मौसम थोड़ा सा थोड़ा बादल लग रहा है, उसके बाद आप भी बिजी है और तीनों लोग हम लोग लग गए सब लोग, तो हमारे सारे काम जो यहाँ के पिछड़ गए और चीफ सेक्रेटरी भी बिजी है, वही ना अभी तो मतलब मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आप किसी कुछ कहना, तो ये बढ़ चढ़ के सबने अपने जो आप लोग का वीडियोस के लिए जिम्मेवारी है पूरी लिस्ट भेज दीजिए, आज शाम ही लेके दे दीजिए और आप लोग स्वयं फीड कर रह के करवाएगा और मुझे फोटो व्हाट्सएप करेंगे कि सर ये हो गया ये नहीं हुआ, और ऑन द ग्राउंड जिसको बुलाना बुला डॉक्टर की टीम को मैंने बता दिया। ठीक, चलिए हाँ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 17 तारीख को गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एक भव्य कार्यक्रम आयोजन करते हुए 250 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा और उसके लिए सारी तैयारियां संपूर्ण करा ली गई है, सारे माननीय जनप्रतिनिधियों को हमने इनवाइट भी भेज दिया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 200 ब्लॉक से हमने लिस्टिंग कर ली है, 250 जोड़ों का हम लोग सामूहिक विवाह करवाएंगे और जो जो दिशा निर्देश हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्डर उसमें दिए गए हैं उसको पूर्ण कराया जा रहा है और इसके साथ साथ जो उसकी बाकी प्रक्रिया है सारी पूर्ण करा ली गई। मंगलवार को पुलिस लाइन के सभागार में एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में 102 और 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ बैठक की गई जिसमें यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बन सके तथा घायल या रेफर इमरजेंसी में मरीज को इलाज के लिए एम्बुलेंस द्वारा ले जाते हैं उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े उसी संबंध में यह बैठक की गई है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाएं ड्राइवरों के साथ बैठक के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जब कोई मरीज को रेफर किया जाता है और एम्बुलेंस ले जाती है तो उनको सेफ या ग्रीन कॉरिडोर दे सके जिससे जल्द से जल्द किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनके प्राणों की रक्षा में ट्रैफिक पुलिस भी अपना योगदान दे सके। इस अवसर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज राय सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस एवं 108 और 102 एम्बुलेंस ड्राइवर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा भाई ये पूछा था कि दिन में कितने चले जाते हैं आज से 10% की बात नहीं है, ऐसे तो हर पेशेंट उसमें आता है इमरजेंसी में आता है, मेरा मतलब सीरियस इम्पोर्टेंट कौन सा है जिसके लिए ग्रीन कार्ड दिया जाएगा ये तो सर डिफाइन कर पाना मुश्किल होगा, कौन सा ये कौन सा देखिए ये तो हो जाता है पता चल जाता है कि तो सारे केस इतने वैसे नहीं होते हैं, मतलब उनमें प्रायोरिटी फिक्स की जा सकती है, डॉक्टर्स जो है एक्सपर्ट होते हैं चेक करने वाले वो लोग गेटली बता देते हैं कि इसको तुरंत ले जाओ जल्दी ले जाओ। हाँ, जैसे एग्जाम्पल किसी को हार्ट अटैक पड़ा उसके लिए गोल्डन आवर बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सीडेंट वाले के लिए डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ इंजरीज कितना है क्योंकि यहीं पर प्राइमरी एग्जामिनेशन में पता चल जाता है कि डेट इज वॉट आई मीन टू से, मैं उतना करना चाह रहा हूँ हमको दिखाना है, अगर हम कह रहे हैं कि हमको 15 मिनट में या 16 मिनट में पहुँचना है तो 16 मिनट में पहुँचना होगा, इसके लिए हमें रास्ता देना होगा आपको उसको कॉम्प्लीट करना पड़ेगा, इसका कोई रियायत है और कोई बात जो आप लोग बताना चाहें इसके अलावा जो इनिशियली आपसे बात हुई थी तब आपने यही कहा था कि सारे इम्पोर्टेंट नहीं होते, किसी दिन दो जाते हैं किसी दिन और मैक्सिमम 5-6 से ज़्यादा। हाँ यही बात आपने बोली थी, ठीक बात है। तो आपके इनमें कितने लोगों को सूचित किया, कितने लोग आएंगे अभी
यहाँ पे और एक्चुअली आ रही थी गाड़ी, उसमें केस साइन हुआ वापस के ना, कोई बात नहीं, केस असाइन के लिए 1-4 दस कराए आपने तो कुछ नहीं, कोई डिसिप्लिन गाइड डिस्ट्रीब्यूट निकल नहीं, तो आपको देने के लिए हम लाए हार्ड कॉपी बांट के लिए, सबसे पहले जो फोटो कॉपी लाया वो बांट नहीं किए, आगे चल के सभी लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे 102 के इंचार्ज हो जिनको आप डी आई बोल रहे हैं, है ना, इस नंबर को नोट कर लीजिए 4544-0-3527। इसमें हमें सिर्फ एक बात कहनी है आप लोगों से कि वैसे तो आप लोग काम करते करते खुद ही एक्सपर्ट हो जाते हैं, व्यक्ति बता देते हैं उसकी क्या सिचुएशन है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग उसी को कंडीशन देख के ही जान जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी फोन कर पता ले जा रहे हैं, वहाँ से रेफर होके ही आएगा, मतलब अगर हमको सेफ टाइम मिल जाएगा, सेफ बार 45 मिनट 30 मिनट। आज पुलिस लाइन में हमारी जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं 102 और 108 सरकार द्वारा जो घायलों के लिए या रेफरल केसेस के लिए ले जाते हैं इमरजेंसी में इलाज के लिए, इस कड़ी में हमने एम्बुलेंस के चालकों को बुला के उनको ट्रेन और सेंसिटाइज किया, इसलिए कि यहां से किसी भी हॉस्पिटल को जब वो रेफर होते हैं तो हम उनको एक सेफ पैसेज दे सकें, उनको ग्रीन कॉरिडोर दे सकें जिससे जल्दी से जल्दी वो अस्पताल पहुँचें और किसी भी घायल व्यक्ति के जीवन बचाया जा सके, उसके प्राणों की रक्षा में यातायात पुलिस भी अपना योगदान दे सके, इसीलिए हम लोगों ने एक कॉमन रणनीति बनाई है, एक हमने रास्ता निकाला है जिसका नाम हमने ग्रीन कॉरिडोर दिया है। नॉर्मली जब वो BRD जाएंगे तो हम अपने सभी ट्रैफिक कर्मियों को सेंसिटाइज कर देंगे, उस चौराहे पर आगे आने वाले चौराहे पर पहले से ही व्यवस्था बना के रखेंगे ताकि घायल व्यक्ति को जल्दी से जल्दी चिकित्सा मिल सके। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, सभी जिलों ने कार्यों का दिया अपना अपना प्रेजेंटेशन, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा को देखते हुए जनपद पुलिस द्वारा बाइक रैली और ड्रोन के माध्यम से शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लगातार की जा रही है निगरानी। अब तक राजघाट, कोतवाली और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में 54 लोगों को दिया गया है नोटिस, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। गोरखपुर में योग अमृत सप्ताह का हुआ शुभारंभ, CDO ने कहा जिले के सभी नागरिक आयुष कवच ऐप डाउनलोड करके रोज करें फोटो अपलोड। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने इनोवेशन पोर्टल किया लॉन्च, देश के प्रतिभाशाली युवा नई तकनीक के माध्यम से रेलवे के बड़े विकास में दे सकेंगे योगदान, पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट आदित्य यादव के जीवन गाथा पर है सटीक, गोल्डन गर्ल आदित्य यादव के घर तक ZDA बनवाएगा सड़क, ZDA उपाध्यक्ष ने कहा सड़क बनाने के लिए 50 लाख का बजट किया गया है पास, एक महीने के अंदर काम होगा शुरू। सत्रह जून को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर CDO इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा सामूहिक विवाह में 250 जोड़े होंगे शामिल। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में 102 और 108 एम्बुलेंस के ड्राइवरों की बैठक हुई सम्पन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ताल क्षेत्र में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए ZDA के द्वारा बनाया जा रहा वर्क, मुख्यमंत्री को संस्तुति के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव, ZDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। चौबीस जून को मंडल स्तरीय रोजगार मेले में किया गया है आयोजन, 5 बच्चों को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य, CDO इंद्रजीत सिंह ने दी जानकारी।
रामगढ़ताल झील के किनारे लगे रेलिंग को जीडीए के द्वारा सुंदर रेलिंग के रूप में जा रहा है बदला, कार्य है जारी। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, रेलिंग में लाइट व बैठने की जा रही है व्यवस्था। गोरखपुर के 5 विद्यालयों में लगाया जाएगा इंडक्शन कुकर, 4 परफॉर्मेंस ग्रांट व 1 भिलोरा गांव के विद्यालय को किया गया है चयनित। दो महीनों में रामगढ़ताल झील में उतारा जाएगा क्रूज, जीडीओ उपाध्यक्ष ने कहा, 3 महीनों में क्रूज को रामगढ़ताल झील में उतारा जाएगा, टेंडर किया गया है जारी, 4 लोगों ने जताई है सहमति, बातचीत है जारी। घुड़सवार पुलिस ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके नागरिकों में सुरक्षा का दिलाया एहसास। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, शहर में पेट्रोलिंग शांति व्यवस्था में मददगार होती है घुड़सवार पुलिस। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, ब्लड डोनेशन करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राई क्लीन भी करवाएं। 2 की ड्राई क्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीडीए के द्वारा फिल्मों के शूटिंग के लिए नौकायन पर वर्क प्लान बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गोरखपुर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जगह है और यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक रोज आते हैं, जिसमें रामगढ़ताल भी शामिल है जो कि मुंबई की जूहू चौपाटी को भी फेल कर रहा है। यहाँ पर प्राणी उद्यान केंद्र है, बौद्ध संग्रहालय है, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, नक्षत्रशाला है, गीता प्रेस है और गोरखनाथ मंदिर है जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑलरेडी फिल्म
फिल्मों की शूटिंग हो रही है। उन्होंने कहा गोरखपुर के सांसद एक्टर हैं, जिसको देखते हुए निर्णय लिया गया है कि फिल्मों की शूटिंग को एक ऐसा पॉलिसी बनाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हों, क्योंकि यहाँ पर सुंदर व सस्ता लोकेशन है जिसके लिए एक कम्युनिटी बनाई गई है, जो कि इस पूरे क्षेत्र में फिल्मों को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे लोग आकर्षित हों उसकी पॉलिसी बनेगी और मुख्यमंत्री से अनुमोदन लिया जाएगा और गोरखपुर में लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि पर्यटकों की संख्या के साथ लोगों को रोजगार मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, नहीं देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि गोरखपुर एक बहुत ही तेजी से विकास करने वाला शहर के रूप में उभर के आया है और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जगह है और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में पर्यटक रोज़ आते हैं। जैसे कि रामगढ़ ताल है हमारे पास, इतना सुंदर है कि जो कि मुंबई के जूही चौपाटी को भी आजकल फेल कर रहा है। हमारे पास इतना सुंदर जू है, बौद्ध म्यूज़ियम है, हमारा वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ऐसे तमाम चीज़ें, नक्षत्रशाला है, गीता प्रेस है, गोरखनाथ मंदिर अपने आप में बहुत प्रसिद्धि वाला स्थल है। तो हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पे आते हैं तो, और यहाँ पे ऑलरेडी मूवीज़ की शूटिंग्स वगैरह भी बहुत सारी होती हैं। हमारे जो माननीय सांसद जी हैं वो स्वयं एक्टर भी हैं, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पे हम लोग क्यों ना एक मूवीज़ को का शूटिंग के लिए एक ऐसा पैकेज, एक ऐसा प्लान, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों, क्योंकि यहाँ पे एक तो सुंदर लोकेशंस भी हैं और दूसरी तरफ सस्ता लोकेशंस भी है और हर तरह की सुविधाएं भी हैं। तो इसीलिए हम लोग एक कमेटी बनाए हुए हैं जो एक पॉलिसी बना रही है कि इस पूरे क्षेत्र में मूवी मेकिंग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हों। तो जल्दी ही वो पॉलिसी बनेगी और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुमोदन उसका लिया जाएगा और इसके लिए गोरखपुर के लिए यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। उससे जो है बहुत फ़ायदा होगा, हमारे यहाँ पर्यटकों की संख्या तो बढ़ेगी ही, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जनपद में 24 जून को मंडल स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 24 जून को गोरखपुर में मंडल स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको देखते हुए एक वृहद रोजगार मेला लगाया जा रहा है जिसमें 5000 से ज्यादा बच्चों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी तैयारी चल रही है, जिसके लिए बच्चों के स्किल, इंटरव्यू स्किल की समीक्षा की जा रही है। रोजगार मेले को सफल बनाने के लिए सभी कंपनियों, नोएडा लखनऊ के साथ अलग अलग कंपनियों को शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया है कि रोजगार मेले में शामिल होकर बच्चों को रोजगार दे, जिससे कि बच्चे नौकरी पाकर अपने जीवन को सफल बना सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, 24 जून को गोरखपुर में मंडल स्तरीय एक रोजगार मेला लगाया जा रहा है, वृहद रोजगार मेला, जिसमें हम लोग, हमारा टारगेट है कि 5000 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार दे सकें, उसकी तैयारियां शुरू कर ली हमने। और उसके लिए जो बच्चों को भी सॉफ्ट स्किल और जो उनके इंटरव्यू स्किल्स हैं, जहाँ उनका कोर सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं और सारी कंपनियों से बात चल रही है, नोएडा में बात चल रही है, लखनऊ में। इसके अलावा भी हम लोगों ने इन्वाइट भेजा है अलग अलग कंपनियों को कि इसमें पार्टिसिपेट करें और बच्चों को रोजगार दें और बच्चे जाके अपना रोजगार ज्वाइन करके अपने जीवन को सफल बना सके। जीडीए के द्वारा रामगढ़ ताल झील के किनारे लगे रेलिंग को सुंदर रेलिंग के रूप में बदला जा रहा है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि रामगढ़ ताल क्षेत्र में सुबह व शाम को पर्यटकों की बहुत भीड़ होती है, जिसमें रामगढ़ ताल के सड़क के किनारे जो रेलिंग लगी हुई थी वह काफ़ी पुरानी हो गई थी और कुछ जगहों पर टूट गया था, जिससे काफ़ी समस्या आ रही थी, जिसको देखते हुए बहुत सुंदर रेलिंग को डिज़ाइन किया गया है। रेलिंग के साथ साथ उसमें लाइट की व्यवस्था, उस पर बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो कि बहुत ही मजबूत रेलिंग है। लोग उस पर बैठकर रामगढ़ ताल का आनंद लेना चाहेंगे तो बैठकर भी आनंद ले सकेंगे, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। प्रयास है कि अगले 2 महीनों में कार्य पूरा कर लिया जाए, जिससे लोग इसका आनंद उठा सकें। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और जलभराव की स्थिति शहर में उत्पन्न होती है, जिसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें देवरिया बाईपास के 5 किलोमीटर नए नाले का निर्माण चल रहा है, जो कि पुराने नाले को जोड़कर सीधे रामगढ़ ताल में गिरेगा, जो कि रुस्तमपुर सहित अन्य इलाकों का पानी अमर उजाला से होते हुए नाले में गिरेगा, जिससे कि जलभराव की स्थिति ज़्यादा नहीं रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा,
देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि रामगढ़ताल क्षेत्र में पर्यटकों की बहुत भीड़ होती है सुबह और शाम को, तो जो रेलिंग लगी हुई थी वो रेलिंग काफ़ी पुरानी हो गई थी और काफ़ी जगह वो टूट गया था, उससे काफ़ी समस्याएं आ रही थी। तो अभी हम लोगों ने बहुत ही सुंदर उसका रेलिंग डिज़ाइन किया है, रेलिंग के साथ साथ उसमें लाइट की व्यवस्था और उसमें बैठने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। उसका निर्माण कार्य भी आपने देखा होगा कि शुरू हो गया है, बहुत ही मजबूत रेलिंग है, लोग इस पर बैठ के भी अगर रामगढ़ताल का आनंद लेना चाहेंगे तो बैठ के भी ले सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है, हम लोग का प्रयास है कि अगले 2 महीने में इसको कंप्लीट किया जाए ताकि लोग इसका आनंद उठा सकें। सर, बारिश भी देखिए, जो बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, हम सभी को पता है यहाँ पे 1200 mm का बारिश होता है और जलभराव की स्थिति शहर में उत्पन्न होती है, उसके लिए कई योजनाएँ हम लोग की चल रही हैं। जैसा कि पहला मैं योजना के बारे में बताना चाहूँगा कि देवरिया बाईपास पर एक नए नाले का 5 किलोमीटर लंबे एक नए नाले का निर्माण हो रहा है, जो कि पुराने नाले को जोड़ के सीधे रामगढ़ताल में गिरेगा। उससे जो है आपका आज़ाद चौक, फिर उधर के जितने इलाके हैं रुस्तमपुर, सबका पानी अमर उजाला तिराहे से नीचे से उसमें आके पानी जाएगा, तो उससे इस साल जो है जलभराव में उधर मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा जो काम चल रहा है वो अपोजिट साइड में जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से गार्डेनिया इत्यादि होते हुए जू के बगल बगल से नाले का निर्माण चल रहा है, वो नाले का निर्माण भी अगले 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उससे ये पूरा रामगढ़ताल क्षेत्र का कहीं भी इस बार जलभराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, अगर जलभराव होगा भी तो जल्दी पानी निकल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा जो मेन शहर है, जो पुराना शहर है, उधर गोरधैया नाला लगभग 10 किलोमीटर तक चलता है, गोरधैया नाले की इस बार पहली बार बहुत अच्छे से उसकी सफाई डीसिल्टिंग पोर्कलें लगा के की गई है, तो इस बार उधर का भी पानी बहुत तेज़ी से निकल जाएगा। तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों ने इस साल कर दिया है, लॉन्ग टर्म में गोरधैया नाले को 5 मीटर से चौड़ा करके 20 मीटर करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा रामगढ़ ताल की ड्रेजिंग का प्रस्ताव है, ऐसे कई प्रस्ताव हैं जो अप्रूव हो रहे हैं शासन से, और लॉन्ग टर्म में गोरखपुर में जलभराव से मुक्ति मिलाएगी। एक और चीज़ हम लोगों ने किया है, एक जो रामगढ़ ताल से तरकुलानी नाला निकलता है तरकुलानी तक, उसके आगे गुर्रा नाला निकलता है राप्ती तक, उसकी भी ड्रेजिंग कराई गई है इस बार। तो इस बार हम लोग को पूरा उम्मीद है कि बरसात तो होगी, जलभराव भी होगा, लेकिन जो पिछले बार एक एक हफ्ते तक जलभराव की स्थिति हुई थी वो इस बार नहीं होगा, चंद घंटों में ही पानी निकल जाएगा। जनपद के 5 विद्यालयों में इंडक्शन कुकर लगाया जाएगा, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री पोषण निर्माण योजना के अंतर्गत पायलट बेसिस पर 5 स्कूलों पर 100 बच्चों पर एक इंडक्शन कुकर लगना है, जिसके लिए 5 विद्यालय चिन्हित करके भेजे गए हैं, जिसमें 4 परफॉर्मेंस ग्रांट के विद्यालय हैं, 1 भिलोर गाँव को लिया गया है। इनमें पहले पायलट बेसिस पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, अभी तक जो हम LPG गैस से कुकर का प्रयोग माध्यान भोजन बनवाने में करते थे, वह अब सोलर इंडक्शन कुकर से बनने लग जाएगा, जिससे जो हमारा ईंधन का खर्चा है वह बचेगा, 3 साल में यह अपनी लागत को वसूल कर लेता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री पोषण निर्माण योजना के अंतर्गत एक प्रपोजल UP नेडा द्वारा आया है, पायलट बेसिस पे 5 स्कूलों पे 100 बच्चों पे एक इंडक्शन कुकर लगना है, और उसके लिए 5 विद्यालय चिन्हित करके भेजे गए हैं, 4 परफॉर्मेंस ग्रांट के विद्यालय हैं, 1 जो है भिलोरा गांव लिया गया है, और इनमें पहले हम लोग पायलट बेसिस पे लगाएंगे। इसके बाद हॉट कुक में जो मील है, जो अभी तक हम LPG से करते थे, तो वो अब सोलर जो हमारा ये इंडक्शन कुकर लगेगा इससे बनना लग जाएगी। इसके हमारा जो खर्चा है उसके ईंधन का बचेगा, जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उस पर बचेगा, 3 साल में ये अपनी कॉस्ट रिकवरी कर लेता है, और ये इससे हम लोग एक पौष्टिक न्यूट्रिशियस हॉट कुक मील बच्चों को मिड डे मील में सर्व कर पाएंगे। ZDA के द्वारा 3 महीनों में रामगढ़ताल झील में क्रूज को उतारा जाएगा, जिसके संबंध में ZDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रामगढ़ताल में क्रूज को लाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि रामगढ़ताल में वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है और भारी संख्या में लोगों को वोटिंग करने के लिए वेटिंग करना पड़ता है, और वोटिंग करने के लिए क्रूज़ का भी व्यवस्था है, लेकिन एक बड़ा क्रूज़ होता है जो कि मुंबई गोवा सहित बड़े शहरों में देखते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट भी होता है और उसमें पार्टी करने की व्यवस्था होती है। इसी तरह के एक बड़े क्रूज़ को चलाने के लिए टेंडर किया गया था, जिसमें 4 लोगों ने भाग लिया है, उनसे प्राइस को लेकर बात चल रही है। प्रयास है कि अगले 3 महीनों के अंदर एक बहुत अच्छा क्रूज चलेगा जो लोगों को पसंद आएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ZDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा,
देखिए, एक हम सभी लोगों की इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिए थे कि जो नौकायन पे ऑलरेडी बोटिंग बहुत अच्छी चल रही है, उसमें काफ़ी वेटिंग भी चल रही है बोटिंग करने के लिए, क्रूज़ वगैरह की भी व्यवस्था है, परंतु एक जो बड़ा क्रूज़ होता है जो कि हम मुंबई गोवा इत्यादि बड़े बड़े जगहों पर देखते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट भी होता है और उसमें पार्टी वर्टी की भी व्यवस्था रहती है, तो ऐसे एक बड़े क्रूज़ को चलाने के लिए हम लोगों ने टेंडर किया था। उस टेंडर में हमारे यहाँ 4 लोग इच्छुक लोग आए हुए भी हैं, उनसे फिर उसका प्राइस का निगोशिएशन चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगले 2 से 3 महीने में हमारे यहाँ बहुत सुंदर क्रूज चलेगा और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश एवं कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में घुड़सवार पुलिस महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके नागरिकों में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए मॉर्निंग वॉक करने आए नागरिकों को जागरूक किया गया और उनकी व्यवस्था का हाल जाना, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि घुड़सवार पुलिस के माध्यम से 3 तरह के फायदे होते हैं। शहर में प्रतिदिन घुड़सवारी पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है तथा उनके द्वारा पेट्रोलिंग भी की जा रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने बताया कि इजराइल और अमेरिका जैसे देशों में अपने यहाँ दंगा नियंत्रण रोकने के लिए घुड़सवार पुलिस का ही प्रयोग करते हैं। इसी को देखते हुए जनपद में घुड़सवारी पुलिस का भरपूर प्रयोग करके पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, आप लोग चलती है कोई चेक करने वाला, कोई छेड़ने वाला, कोई ऐसा व्यक्ति हो तो पुलिस जाती नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं तो हमको क्या है कि हम न्यूज बस लेंगे, कप्तान साहब यहाँ मैसेज भेजेंगे, फोटो भेजते हैं और तुरंत शिकायत लिखता हूँ, कमेंट लिखता हूँ, तुरंत एक्शन कप्तान लेते हैं, ठीक है। इसका ये चीज़ है तो आप लोग कोई दिक्कत जैसे आप लोग यहाँ करती है कोई चेक बात कोई छेड़खानी कर, अरे यहाँ पकड़ तुरंत चल गया, देख लो बोरा पकड़ दिया तो नहीं बता, यहाँ पर सुना देखो लोग कैसे कितने प्रयास करें, ठीक ठीक है, ये कदम कम कर लो तुम दोनों, ये क्या खत्म हो जाएगा ना, आओ हमको छोड़ के नहीं जाएंगे बेटा, जिधर जाऊंगा उधर जाएंगे, ठीक है इधर नहीं ना, देखा रुक जा बस बात हो गया यार, कहाँ लेके जाओगे पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हो, बच्चे पढ़ के आ रहे हैं गेम खेल रहे हैं, मैं उतर रहा हूँ तो घोड़े लेके जाना फिर खिलाएं सर, ठीक है ठीक है, लेके चले जाओगे ना डरना मत, ठीक माउंटेड पुलिस किसी भी पुलिस का एक महत्वपूर्ण अंग है। घुड़सवार पुलिस के माध्यम से 3 फायदे होते हैं। एक, घुड़सवार पुलिस से जो एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक ओवरव्यू, बड़ा ओवरव्यू मिलता है। दूसरा, माउंटेड पुलिस से एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो क्राउड कंट्रोल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरा, घुड़सवार पुलिस उस क्षेत्र में जा सकती है जहाँ पे गाड़ी एवं बहुत संकरे संकरे रास्तों में भी जा सकती है, इसलिए शहर में घुड़सवार पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है, प्रतिदिन उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। यह हो सकता है कि लोगों को नया प्रयोग लगे, लेकिन घुड़सवार पुलिस सदियों से प्रयोग में आती आ रही है। इजराइल एवं अमेरिका जैसे देश भी अपने यहाँ दंगा नियंत्रण के लिए अंत में माउंटेड पुलिस का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस भी स्पेशली गोरखपुर में हम माउंटेड पुलिस का भरपूर प्रयोग कर पुलिस में शांति व्यवस्था, पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था मेंटेन करने में इसका सहयोग लिया। ये स्पेसिफिक डे वीकेंड्स पे या शुक्रवार के दिन शांति व्यवस्था के लिए इसका किया जा रहा है, लेकिन प्रतिदिन मॉर्निंग में वॉक के टाइम भी
ताकि जनता के अंदर एक शांति एवं एक सुरक्षा का भाव रहे, उसके लिए काउंटेड पुलिस का उपयोग किया। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में एवं जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक के सहयोग से विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया तथा ब्लड डोनेशन करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मीतू सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में रक्तदान शिविर लगाकर छात्र छात्राओं ने ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया। रक्तदान महादान है क्योंकि एक यूनिट ब्लड किसी असहाय तथा जरूरतमंद की जीवन की रक्षा हो सकती है तथा सभी नौजवानों को रक्तदान कर समाज के लोगों को प्रेरित करते हुए आगे आना होगा। वहीं ब्लड डोनेट करने आए छात्र ने यह बताया कि ब्लड डोनेट करने से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ब्लड डोनेट करने से चार लोगों की जिंदगी बच सकती है और मैं पहली बार ब्लड डोनेट किया हूँ। इस अवसर पर अनुप कुमार, विजय लाल, आदर्श जायसवाल, धर्मवीर, अंकित कुमार, दिनेश गुप्ता सहित राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयोजक मीतू सिंह एवं ब्लड डोनेशन करने आए छात्र विजेंद्र राय ने कहा, मेरा नाम रविजेंद्र राय है। ब्लड एक जो डोनेशन है वो करना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपकी चार लोगों की जिंदगी बच सकती है, तो इसलिए डोनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि हम डोनेट करेंगे तो सिर्फ चार लोगों की लाइफ ही नहीं बचेगी, इवन हम हार्ट स्ट्रोक के खतरे को भी कम कर सकते हैं। जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति 3 महीने के बाद अगर अपना ब्लड डोनेट करता है तो हार्ट स्ट्रोक के खतरे से 33% तक बचा जा सकता है इससे। इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश यही करता हूँ कि वो लोग ब्लड डोनेट करें, और सिर्फ इसलिए ना करें कि उनको फेम मिलेगा या फोटो खींचने को मिलेगा या वो हाईलाइट होंगे, इसलिए करें कि वो सोसाइटी को कुछ देना चाह रहे हैं, वो अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। पहली बार आप डोनेट किया? ये हम लोगों का पहली बार था। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने सोसाइटी के लिए और इस एज पे आने के बाद मतलब फर्स्ट टाइम पे ऐसे कुछ करना एक अच्छा लग रहा है, और एक NSS वॉलंटियर के तौर पे भी एक प्राउड फीलिंग मोमेंट है कि हम लोग कम से कम अपने स्तर से जो कुछ हो पा रहे हैं हमसे वो कर रहे हैं। डॉक्टर एस के यादव, जिला अस्पताल गोरखपुर, ब्लड बैंक इंचार्ज। देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को सम्मान दे करके धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। इसी परिपक्ष में इस कैंपस में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वैच्छिक रूप से रक्तदाता आ करके रक्तदान कर रहे हैं। साथ ही साथ एक क्विज कंपटीशन भी कराया गया है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया गया है। मैं डॉक्टर मीतू सिंह, सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग, मैं इस कार्यक्रम की संयोजक हूँ। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया गया है, क्योंकि रक्तदान हमारे जीवन, रक्तदान से बहुत सारे लोगों के जीवन की रक्षा हो सकती है। रक्तदान महादान कहा जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में या परिवार में कोई इस प्रकार का होता है
जिसको रक्त की आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति ना होने पर उसके जीवन पर संकट आ पड़ता है, ऐसी स्थिति में रक्तदान, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें और रक्तदान से लोगों के जीवन को सुरक्षित करें और दूसरों को भी इसके फ़ायदे के बारे में बताएं। हम जो भी रक्तदान करते हैं वो हमारा विद इन मंथ वो कवर हो जाता है और हमें ज़रूर रक्तदान करना चाहिए, दूसरों के जीवन को बचाना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय में 30 यूनिट रक्तदान का उद्देश्य रखा गया था, अभी तक हमने 15 यूनिट रक्तदान कर लिया है और बाकी अभी कैंप लगा हुआ है, आने वाले छात्र छात्राएं आएंगे हमारे यहाँ और रक्तदान के माध्यम से समाज को सहायता करेंगे और समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। अभी तक 15 छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया है और हमने 30 का लक्ष्य रखा है कि 30 यूनिट तक रक्तदान आज करा लेंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी को रक्तदान में सहयोग करना चाहिए क्योंकि यह किसी के जीवन की रक्षा कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको ये रक्त मदद कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उनको उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। सभी जिलों ने कार्यों का दिया अपना अपना प्रेजेंटेशन, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा को देखते हुए जनपद पुलिस द्वारा बाइक रैली और ड्रोन के माध्यम से शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लगातार की जा रही है निगरानी। अब तक राजघाट, कोतवाली और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में 54 लोगों को दिया गया है नोटिस। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। गोरखपुर में योग अमृत सप्ताह का हुआ शुभारंभ। सीडीओ ने कहा जिले के सभी नागरिक आयुष कवच ऐप डाउनलोड करके रोज करें फोटो अपलोड। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने इनोवेशन पोर्टल किया लॉन्च। देश के प्रतिभाशाली युवा नई तकनीक के माध्यम से रेलवे के बड़े विकास में दे सकेंगे योगदान। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट आदित्य यादव के जीवन गाथा पर है सटीक। गोल्डन गर्ल आदित्य यादव के घर तक जीडीए बनवाएगा सड़क। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा सड़क बनाने के लिए 50 लाख का बजट किया गया है पास, एक महीने के अंदर काम होगा शुरू। सत्रह जून को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा सामूहिक विवाह में 250 जोड़े होंगे शामिल। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में 102 और 108 एम्बुलेंस के ड्राइवरों की बैठक हुई सम्पन्न, दी आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ताल क्षेत्र में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा वर्क। मुख्यमंत्री को संस्तुति के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। चौबीस जून को मंडल स्तरीय रोजगार मेले में किया गया है आयोजन। 5 बच्चों को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य, सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने दी जानकारी। रामगढ़ताल झील के किनारे लगे रेलिंग को जीडीए के द्वारा सुंदर रेलिंग के रूप में जा रहा है बदला। कार्य है जारी, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा रेलिंग में लाइट व बैठने की जा रही है व्यवस्था। गोरखपुर के 5 विद्यालयों में लगाया जाएगा इंडक्शन कुकर। 4 परफॉर्मेंस ग्रांट व 1 भिलोरा गाँव के विद्यालय को किया गया है चयनित। दो महीनों में रामगढ़ताल झील में उतारा जाएगा क्रूज, जीडीओ उपाध्यक्ष ने कहा 3 महीनों में क्रूज को रामगढ़ताल झील में उतारा जाएगा। टेंडर किया गया है जारी, 4 लोगों ने जताई है सहमति, बातचीत है जारी।
घुड़सवार पुलिस ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके नागरिकों में सुरक्षा का दिलाया एहसास। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, शहर में पेट्रोलिंग शांति व्यवस्था में मददगार होती है घुड़सवार पुलिस। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। ब्लड डोनेशन करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।